सभी को हार्दिक नमस्ते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युति संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय हिंदी विभाग डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइचड़ प्रस्तुत करते हैं प्रेमचंद जी का परिचय प्रेमचंद जी का पूरा नाम है धनपत राय अजयब लाल श्रीवास्तव आपने उर्दू में नवाब राय नाम से रचना की और हिंदी में प्रेमचंद नाम से आपका जन्म 31 जुलाई 1880 के दिन हुआ था तथा मृत्यु 8 आठ अक्टूबर 1936 को हुई लेखक प्रेमचंद जी का परिचय हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ उनका वास्तविक नाम धनपत राय था मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में जन्मे प्रेमचंद का जीवन अभावों से पूर्ण रहा विपत्ति और उनसे लड़ने की ताकत उन्हें जीवन से मिली प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई साहित्य रचना की शुरुआत में उन्होंने इसी भाषा से की वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन रत्न 1907 में जमाना पत्रिका में छपी 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन उर्दू में छपा था जो राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण होने के कारण जब्त कर लिया गया इसके बाद वे प्रेमचंद नाम से हिंदी में कहानियां लिखने लगे प्रेमचंद का रचना फलक अत्यंत व्यापक है उन्होंने 300 सौ कहानियां ग्यारह उपन्यास और दो नाटकों की रचना की उन्होंने जमाना माधुरी जागरण और हंस पत्रिकाओं का संपादन किया उनका उपन्यास गोदान न केवल हिंदी वरन विश्व साहित्य के श्रेष्ठतम उपन्यासों में गिना जाता है गोदान के अतिरिक्त सेवा सदन निर्मला गबन कर्मभूमि रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं कहानीकार के रूप में प्रेमचंद हिंदी साहित्य का मूल स्तंभ रहे हैं उन्होंने हिंदी कहानी को शैशव अवस्था में पहुंचाया उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं सप्त सरोज नमक का दारोगा प्रेम प्रसून प्रेम द्वादशी प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा समर यात्रा पंच प्रसून्न आदि उनकी सभी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से आठ भागों में प्रकाशित हुआ है उनकी कहानियों में भारतीय जनजीवन अपनी समस्त आशाओं आकांक्षाओं और विसंगतियों के साथ मुखरित हुआ है ग्रामीण भारत का जैसा सजीव चित्रण उनकी रचनाओं में है वह अत्यंत दुर्लभ है तत्कालीन समय और समाज का कोई पक्ष उनके साहित्य से अछूता नहीं रहा प्रेमचंद की कहानियां अनिवार्यतः अपने समय के यथार्थ से जुड़ी हुई हैं लेकिन उनकी महत्ता उस आदर्श की स्थापना में है जिसके माध्यम से प्रेमचंद एक मानवीय शोषण मुक्त समाज की कल्पना करते हैं उनके द्वारा गढ़े गए चरित्र समाज में अपनी सजीव मौजूदगी का एहसास कराते हैं सहजता सरलता और रोचकता उनके शिल्प का ऐसा गुण है जिसने उन्हें हिंदी भाषी समाज का ही नहीं वरण पूरे भारतीय समाज का अपना लेखक बना दिया है आत्मवृत्त मेरा जीवन लेखक प्रेमचंद मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गढ़े तो हैं पर टीलों पर्वतों घनी जंगलों गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है जो सज्जन पहाड़ों के सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी मेरा जन्म संवत उन्नीस में हुआ पिता डाकखाने में क्लर्क थे माता मरीज एक बड़ी बहन भी थी उस समय पिताजी शायद बीस रुपए पाते थे चालीस रुपए तक पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो गई यों यह बड़े ही विचारशील जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खाही गए और खुद तो गिरे ही थे उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया पंद्रह साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक सिधारे उस समय मैं नवे दर्जे में पढ़ता था घर में मेरी स्त्री थी विमाता माता थी उनके दो बालक थे और आमदनी एक पैसे की नहीं घर में जो कुछ ले पूंजी थी वह पिताजी की छह महीने की बीमारी और क्रियाक्रम में खर्च हो चुकी थी और मुझे अरमान था वकील बनने का और एमए पास करने का नौकरी उस जमाने में भी इतनी ही दुष्प्राप्य थी जितनी अब है दौड़ धूप करके शायद दस बारह की कोई जगह पा जाता पर यहाँ तो आगे पढ़ने की धुन थी पाँव में लोहे की नहीं अष्टधातु की बेडियाँ थी और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर पाँव में जूते न थे देह पर साबित कपड़े न थे महंगी अलग दस शेर के जौ थे स्कूल से साढ़े तीन बजे छुट्टी मिलती थी काशी के क्विंस कॉलेज में पढ़ता था हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी इम्तिहान सर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था जाड़ों के दिन थे चार बजे पहुंचता था पढ़ाकर छः बजे छुट्टी पाता वहाँ से मेरा घर देहात में पाँच मील पर था तेज चलने पर भी आठ बजे से पहले घर न पहुंच सकता और प्रातः आठ ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था कभी वक्त पर स्कूल न पहुंचता भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता फिर भी हिम्मत बांधे हुए था मैट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया पर आया सेकंड डिवीजन में और क्विंस कॉलेज में भर्ती होने की आशा न रही फीस केवल अव्वल दर्जे वाले की ही मुआफ़ हो सकती थी संयोग से उसी साल हिंदू कॉलेज खुल गया मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन उनके मकान पर गया वह पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था मेरी प्रार्थना सुनकर आधी ही कहने पाया था बोले कि घर में कॉलेज की बात नहीं करता कॉलेज में जाओ खैर कॉलेज में गया मुलाकात हुई पर निराशाजनक फीस मुआफ़ न हो सकती थी अब क्या करूं अगर प्रतिष्ठित सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं पर बारह मील की मंजिल मार कर शाम को घर लौट आता किससे कहूं कोई अपना पुचत्तर न था कई दिनों बाद एक सिफारिश मिली एक ठाकुर इंद्रनारायण सिंह हिंदू कॉलेज के प्रबंधनकारी सभा में थे उनसे जाकर रोया उन्होंने मुझ पर दया उन्हें मुझ पर दया आ गई सिफारिश चिट्ठी दे दी उस समय मेरे आनंद की सीमा न रही खुश होता हुआ घर आया दूसरे दिन प्रिंसिपल से मिलने का इरादा था लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया और दो सप्ताह से पहले नहिला का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया एक दिन द्वार पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए मेरी दशा देखकर समाचार पूछा और तुरंत खेतों में जाकर एक जड़ खोद लाए और उसे धोकर सात दाने काली मिर्च के साथ पिसवा कर मुझे पिला दिया उसने जादू सा असर किया ज्वर चढ़ने में घंटे भर की देर थी इस औषध ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया मैंने पंडित जी से बार बार उस जड़ी का नाम पूछा पर उन्होंने न बताया कहा नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा एक महीने बाद मैं फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई प्रिंसिपल ने मेरे तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा इतने दिनों कहाँ थे बीमार हो गया था क्या बीमारी थी मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था अगर ज्वर बताता हूं तो शायद साहब मुझे झूठ समझें। ज्वर मेरी समझ में हल्की सी चीज़ थी जिसके लिए इतनी लंबी गैरहाज़िरी अनावश्यक थी कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जो अपने कष्ट साध्यता के कारण दया को भी उभारे उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम याद न ना आया ठाकुर इंद्र नारायण सिंह से जब मैं सिफ़ारिश लेने के लिए मिला था तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी वह शब्द मुझे याद आ गया मैंने कहा पेल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा अब तुम बिल्कुल अच्छे हो जी हाँ अच्छा प्रवेश पत्र भर कर लाओ मैंने समझा बेड़ा पार हुआ फॉर्म लिया खानापुरी की और पेश कर दिया साहब उस समय कोई क्लास ले रहे थे तीन बजे मुझे फॉर्म वापस मिला उस पर लिखा था इसकी योग्यता की जांच की जाए यह नई समस्या उपस्थित हुई मेरा दिल बैठ गया था अंग्रेजी के सिवा और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा न थी और बीजगणित और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी जो कुछ याद किया था वह भी भूल गया भूल भाल गया था लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया प्रोफेसर साहब बंगाली में बंगाली थे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे वॉशिंगटन इरविंग का रिपिवॉक विंकिल था मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और दो ही चार मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने विषय के ज्ञाता हैं घंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर संतोषजनक लिख दिया दूसरा घंटा बीजगणित का था इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे मैंने अपना फॉर्म दिखाया नई संस्थाओं में प्रायः वही छात्र आते हैं जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती यहाँ भी यही हाल था क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे पहले रेले में जो आया वह भर्ती हो गया भूख में सागपात सभी रुचिकर होता है अब पेट भर गया था छात्र चुन चुन कर लिए जाते थे इन प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया फॉर्म पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया मैं इतना निरा हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया सीधा घर चला आया गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी कभी उस पर न चढ़ सका इंटरमीडिएट में दो बार गणित में फेल हुआ और निराश होकर इम्तिहान देना छोड़ दिया इस दस बारह साल के बाद जब गणित की परीक्षा में अख्तियारी हो गई तब मैंने दूसरे विषय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया कौन कह सकता है खैर मैं निराश होकर घर लौट तो आया लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी घर बैठकर क्या करता है? किसी तरह गणित को सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी इसके लिए शहर में रहना जरूरी था संयोग से एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया पांच रुपये वेतन ठहरा मैंने दो रुपयों में अपना गुजारा करके तीन रुपए घर पर देने का निश्चय किया वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी उसी में रहने की आजियां ले ली एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा घर से कुछ बर्तन भी लाया एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांझ कर लाइब्रेरी चला जाता गणित तो बहाना था उपन्यास आदि पढ़ा करता पंडित रतन नाथ दर का फसाना ए आजाद उन्हीं दिनों पढ़ा चंद्रकांता संतति भी पढ़ी बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद जितने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे उन्हीं की सिफ़ारिश से मुझे यह पद मिला था उनसे दोस्ती थी इसलिए जब ज़रूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था कभी दो रुपए हाथ आते कभी तीन जिस दिन वेतन के दो तीन रुपए मिलते मेरा संयम हाथ से निकल जाता प्यासी तृष्णा हलवाई के दुकान की ओर खींच ले जाती दो तीन आने पैसे खा कर ही उठता उसी दिन घर जाता और दो ढाई रुपए दे आता दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता लेकिन कभी कभार उधार मांगने में भी संकोच होता और दिन का दिन निराहार व्रत रखना पड़ जाता इस तरह चार पांच महीने बीते इस बीच एक बजाज से दो ढाई रुपए के कपड़े लिए थे रोज़ उधर से निकलता था उसे मुझ पर विश्वास हो गया था जब महीने दो महीने निकल गए और मैं रुपया चुकता न कर सका तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया चक्कर देकर निकल जाता तीन साल बाद उसके रुपए अदा कर सका उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी पढ़ने आया करता था वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था जान लो भैया, उसका सखुन तकिया था हम लोग उसे लो भैया ही कहकर कहा करते थे एक बार मैंने उनसे भी आठ आने पैसे उधार लिए थे वह पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर पाँच साल बाद वसूल किए मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी लेकिन दिन दिन निराश होता जाता था जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहां मिलती है यह न जानता था जाड़ों के दिन थे पास एक कौड़ी न थी दो दिन एक एक पैसे का चबेना खाकर काटे थे मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था या संकोचवश मैं उससे मांग न सकता था चिराग जल चुके थे मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया था चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी दो साल हुए खरीदी थी अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया किताब दो रुपए की थी लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ मैं रुपया लेकर रुपया लेकर दुकान से उतरा उतर ही रहा था कि एक बड़ी बड़ी मूछों वाले सौम्य पुरुष ने जो उस दुकान पर बैठे हुए थे मुझसे पूछा तुम कहाँ पढ़ते हो मैंने कहा पढ़ता तो कहीं नहीं हूँ पर आशा करता हूँ कि कहीं नाम लिखा लूँगा मैट्रिकुलेशन पास हो जी हाँ नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है नौकरी कहीं मिलती ही नहीं वह सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे इन्हें एक सहकारी अध्यापक की जरूरत थी अठारह रुपये वेतन था मैंने स्वीकार कर लिया अठारह रुपये उस जमाने में मेरी आशा व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पांव जमीन पर न पड़ते थे यह सन 1899 की बात है परिस्थितियों का सामना करने को तैयार था और गणित में अटक न जाता तो अवश्य आगे जाता पर सबसे कठिन परिस्थिति यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान शून्यता थी जो उस समय और उसके कई साल बाद तक उस डाकू का व्यवहार करती थी जो छोटे बड़े सभी को एक ही खाट पर सुलाता है मैंने पहले पहल 1907 में गल्पें लिखना शुरू की डॉक्टर रविंद्रनाथ की कई गल्पे मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थीं। और उनका उर्दू अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में छपवाया था उपन्यास तो मैंने 1901 एक से ही लिखना शुरू किया मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला और दूसरा 1904 में लेकिन गल्प 1907 से पहले मैंने एक भी न लिखी मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न वह 1907 में जमाना में छपी उसके बाद मैंने चार पांच कहानियाँ लिखी पांच कहानियों का संग्रह सोजे वतन के नाम से 1909 में छपा उस समय वंग भंग आंदोलन हो रहा था कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी इन पांचों कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था पुस्तक को छपे छह महीने हो चुके थे एक दिन मैं रात को अपनी राउटी में बैठा हुआ था कि मेरे नाम जिलाधीश का परवाना पहुंचा कि मुझसे तुरंत मिलो जाड़ों के दिन थे साहब दौरे पर थे मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात तीस चालीस मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला साहब के सामने सोजे वतन की एक प्रति रखी हुई थी मेरा माथा ठनका उस वक्त मैं नवाब राय नाम से लिखा करता था मुझे इसका कुछ कुछ पता मिल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है समझ गया उन लोगों ने मुझे खोज निकाला और इसी की जवाबदेही करने के लिए मुझे बुलाया गया है साहब ने मुझसे पूछा यह पुस्तक तुमने लिखी है मैंने स्वीकार किया। साहब ने मुझसे एक एक कहानी का आशय पूछा और अंत में बिगड़ कर बोले तुम्हारी कहानियों में सिडिशन भरा हुआ है अपने भाग्य को बखानों की अंग्रेज़ी अमलदारी में हो मुगलों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते तुम्हारी कहानियाँ एकांगी हैं तुमने अंग्रेजी सरकार की तोहिन की है आदि फैसला यह हुआ कि मैं सोजे वतन की सारी प्रतियाँ सरकार के हवाले कर दूं और साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूं मैंने समझा चलो सस्ता छूटे एक हज़ार प्रतियां छपी थी अभी मुश्किल से तीन सौ बिकी थी सात सौ प्रतियां मैंने जमाना कार्यालय से मंगवा कर साहब की सेवा में अर्पण कर दी मैंने समझा था बला टल गई किंतु अधिकारियों को इतनी आसानी से संतोष न हो सका मुझे बाद को मालूम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श किया पुलिस, दो डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर जिनके जिनका मैं मातहत था मेरी तकदीर का फैसला करने बैठे एक डिप्टी कलेक्टर ने गल्पों से उद्धरण निकालकर सिद्ध किया कि इनमें आधी से अंत तक सिलीशन के सिवा और कुछ नहीं है और सिलीशन भी साधारण नहीं बल्कि संक्रामक पुलिस के देवता ने कहा ऐसे खतरनाक आदमी को जरूर सख्त सजा देनी चाहिए डिप्टी इंस्पेक्टर साहब मुझसे बहुत स्नेह करते थे इस भय से कि कहीं मामला तुल न पकड़ ले उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि वह मित्र भाव से मेरे राजनैतिक विचारों की थाह लें और उस कमेटी में रिपोर्ट पेश करें उनका विचार था कि मुझे समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें कि लेखक केवल कलम का उग्र है और राजनैतिक आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं है कमेटी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया हालांकि पुलिस के देवता उस वक्त भी पैतरे बदलते रहे सहसा कलेक्टर साहब ने डिप्टी इंस्पेक्टर से पूछा आपको आशा है कि वह आपसे अपने दिल की बात कह देगा आप मित्र बनकर उनका भेद लेना चाहते हैं यह तो मुखबिरी है मैं इसे कमिनापन समझता हूं डिप्टी साहब अप्रतिभ होकर हकलाते हुए बोले मैं तो हुजूर के हुक्म साहब ने बात काटी नहीं यह मेरा हुक्म नहीं है मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता अगर पुस्तक के लेखक का सिलूशन साबित हो सके तो खुली अदालत में मुकदमा चलाइए नहीं धमकी छोड़कर छोड़ दीजिए धमकी देकर छोड़ दीजिए दे मुंह में राम बगल में छुरी मुझे पसंद नहीं जब यह वृत्तांत डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने कई दिन पीछे मुझसे कहा तो मैंने पूछा क्या आप सचमुच मेरी मुखबिरी करते हैं? वह हंसकर बोले असंभव कोई लाख रुपए भी देता तो न करता मैं तो केवल अदालती कार्रवाई रोकना चाहता था और वह रुक गई मुक, मुकदमा अदालत में जातो तो सजा हो जाना यकीनी था यहाँ आपकी पैरवी करने वाला भी कोई न मिलता मगर साहब हैं शरीफ आदमी मैंने स्वीकार किया बहुत ही शरीफ मैं हमीरपुर ही में था कि मुझे पेचिश की शिकायत पैदा हो गई गर्मी के दिनों में देहातों में कोई हरी तरकारी मिलती न थी एक बार कई दिन तक लगातार सूखी घुइयाँ खानी पड़ी यों मैं घुइयों को बिच्छू समझता हूँ और तब भी समझता था लेकिन न जाने क्यों कर यह धारणा मन हो गई मन में हो गई कि अजवाइन से घुइया का बादीपन जाता रहता है खूब अजवाइन खा लिया करता दस बारह दिन तक किसी तरह का कष्ट न हुआ मैंने समझा शायद बुंदेलखंड की पहाड़ी जलवायु ने मेरी दुर्बल पाचक शक्ति को तीव्र कर दिया है पाचन शक्ति को तीव्र कर दिया है लेकिन एक दिन पेट में दर्द हुआ और सारे दिन मैं मछली की भांति तड़पता रहा फंकियाँ लगाईं मगर दर्द न कम हुआ दूसरे दिन से पेचिश हो गई मल के साथ आव आने लगा लेकिन दर्द जाता रहा एक महीना बीत चुका था मैं एक कस्बे में पहुंचा तो वहां के थानेदार साहब ने मुझसे थाने में ठहरने और भोजन करने का आग्रह किया कई दिन से मूंग की दाल खाते और पथ्य करते करते ऊब गया था सोचा क्या हर्ज है आज यहीं ठहरो। भोजन तो स्वादिष्ट मिलेगा थाने में ही अड्डा जमा लिया दारोगा जी ने जमीन कंद का सालन पकवाया पकौड़िया दही पड़े पुलाव मैंने एहतियात से खाया जमीकंद तो मैंने केवल दो फांके खाई लेकिन खा पी कर जब थाने के सामने दारोगा जी के फूस के बंगले में लेटा तो दो ढाई घंटे के बाद पेट में फिर दर्द होने लगा सारी रात और अगले दिन भर कराहता रहा सोडे की दो बोतलें पीने के बाद कह हुई तो जाकर चैन मिला मुझे विश्वास हो गया यह जमी कंदगी की कारस्तानी है से पहले मेरी कुट्टी हो चुकी थी अब जमीन से भी बैर हो गया तब से इन दोनों चीज़ों की सूरत देखकर मैं कांप जाता हूं। दर्द तो फिर जाता रहा पर पेचिश ने अड्डा जमा लिया पेट में चौबीसों घंटे तनाव बना रहता अफरा हुआ करता संयम के साथ चार पांच मील टहलने जाता व्यायाम करता पथ्य से भोजन करता कोई न कोई औषधि भी खाया करता किंतु ठहर टलने का नाम न लेती थी, और देह भी गुलती जाती थी। कई बार कानपुर आकर दवा कराई एक बार महीने भर महीना महीने भर प्रयाग में डॉक्टरों और आयुर्वेदिक डॉक्टरी और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया पर कोई फ़ायदा नहीं तब मैंने तबादला कराया चाहता था रोहिलखंड पर पटका गया बस्ती के जिले में और हल्का वह मिला जो नेपाल की तराई है सौभाग्य से वहीं मेरा परिचय स्वर्गीय पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी से हुआ जो डोमरियागंज में तहसीलदार थे कभी कभी उनके साथ साहित्य चर्चा हो जाती थी लेकिन यहाँ आकर पेचिश और बढ़ गई तब मैंने छः महीने की छुट्टी ली और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से निराश होकर काशी के एक हकीम से इलाज कराने लगा तीन चार महीने बाद कुछ थोड़ा सा फ़ायदा तो मालूम हुआ पर बीमारी जड़ से न गई जब फिर बस्ती में पहुंचा तो वही हालत हो गई तब मैंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती हाई स्कूल में स्कूल मास्टर हो गया फिर यहाँ से तब्दील होकर गोरखपुर पहुँचा पेचिश पूर्ववत जारी रही यहाँ मेरा परिचय महावीर प्रसाद जी पोद्दार से हुआ जो साहित्य के मर्मज्ञ, राष्ट्र के सच्चे सेवक और बड़े ही उद्योगी पुरुष हैं मैंने बस्ती से ही सरस्वती में कई गल्पें छपवाई थी पोदारजी की प्रेरणा से मैंने फिर उपन्यास लिखा और सेवा सदन की सृष्टि हुई वहीं मैंने प्राइवेट बीए भी पास कर लिया सेवा सदन का जो आदर हुआ उससे उत्साहित होकर मैंने प्रेमाश्रम लिख डाला और गल्पे भी बराबर लिखता रहा कुछ मित्रों की विशेषकर पौधर्जे की सलाह से मैंने जल चिकित्सा आरंभ की लेकिन तीन चार महीने के स्नान और पथ्य का मेरे दुर्भाग्य से यह परिणाम हुआ कि मेरा पेट बढ़ गया और मुझे रास्ता चलने में भी दुर्बलता मालूम होने लगी एक बार कई मित्रों के साथ मुझे एक जीने पर चढ़ने का अवसर मिला और लोग धड़धड़ाते हुए चले गए पर मेरे पांव ही न उठते थे बड़ी मुश्किल से हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर पहुंचा उसी दिन मुझे अपनी कमजोरी का यथार्थ ज्ञान हुआ समझ गया अब थोड़े दिनों का और मेहमान हूं जल चिकित्सा बंद कर दी एक दिन संध्या समय उर्दू बाजार में श्री दशरथ प्रसाद जी द्विवेदी संपादक स्वदेश से मेरी भेंट हो गई कभी कभी उनसे भी साहित्य चर्चा होती रहती थी उन्होंने मेरी पीली सूरत देखकर खेद के साथ कहा बाबूजी, आप तो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं कोई इलाज कराइए मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बुरा लगता था मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूँ जब दो चार महीने की ही का जिंदगी से नाता है तो क्यों न हंसकर मरूँ मैंने चिढ़कर कहा मर ही तो जाऊँगा भाई या और कुछ मैं मौत का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ द्विवेदी जी बेचारे लज्जित हो गए मुझे पीछे से अपनी उग्रता पर बड़ा खेद हुआ यह 1921 की बात है असहयोग आंदोलन जोरों पर था जालियां वाला बाग का हत्याकांड हो चुका था उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया गाजी मिया के मैदान में ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया दो लाख से कम जमाव न था क्या शहर क्या देहात श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी ना देखा था महात्मा जी के दर्शनों का यह प्रताप था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा उसके दो ही चार दिन बाद मैंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया अब देहात में चलकर कुछ प्रचार करने की इच्छा हुई पौदार जी का देहात में एक मकान था हम और वह दोनों वहां चले गए और चरखे बनवाने लगे वहां जाने के एक ही सप्ताह बाद मेरी पेचिश कम होने लगी यहाँ तक कि एक महीने के अंदर मल के साथ आव आना बंद हो गया फिर मैं काशी चला आया और अपने देहात में बैठकर कर कुछ प्रचार और कुछ साहित्य सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा गुलामी से मुक्त होते ही मैं नौ साल से जीर्ण रोग से मुक्त हो गया इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है और मनुष्य का उद्योग भी इच्छा के बिना सफल नहीं होता सभी को हार्दिक धन्यवाद इस प्रकार के और वीडियो शैक्षिक वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल की सदस्यता लें और प्रत्येक वीडियो को पसंद करें अन्य लोगों को भी साझा करें धन्यवाद जय हिंदी जय नागरी